परी ने कराई बालों की बारिश। रौनकपुर नगर में अदिति अपनी माँ के साथ रहती थी। अदिति के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे। जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई, वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से अदिति का हर जगह मजाक बनता था जब वो स्कूल जाती। ये देखो इस टकली को। टकली टकली टकली, सब बच्चे टकली टकली कहकर अदिति को बहुत चढ़ाते थे। जब मैम सभी बच्चों को दो चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी, मैम इस चगली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी। फिर इसे भी क्लास से बाहर करो। शट अप गुनगुन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां अदिति का खूब मजाक बनाते हैं। अदिति रोते रोते घर आ जाती है। क्या हुआ अदिति, इतनी उदास क्यों हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, भगवान ने मुझे ही टकली क्यों बनाया? आप लोगों की लाख कोशिशें और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। अदिति के माँ बाप भी अदिति की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अदिति अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माँ बाप को उसके शादी की बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन अदिति के टकली होने की वजह से कोई भी लड़का अदिति से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अदिति की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ अदिति को पार्लर ले जाती है और उसको रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। अदिति खूबसूरत तो थी, सर पर बाल लगने की वजह से उसके खूबसूरती में चार चांद लग जाता है, और फिर उसकी शादी भी एक अच्छे घर में करण के साथ हो जाती है। जब अदिति नहाने के लिए बाथरूम में जा रही होती है, तब वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है। इतने में ही करण भी आ जाता है। वो घर में विग देख कर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम से बाहर निकलती अदिति पर पड़ जाती है। अब करण को सब कुछ समझते देर नहीं लगती। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो, इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से, अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा ना करो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, तुम जो बोलोगे वो करूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। फिलहाल तो तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अदिति रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये आप मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? अदिति रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है। तभी उसे एक आवाज आती है। अदिति, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी कैसे मदद करोगे? अदिति, इस पेड़ पर एक परी विश्राम के लिए हर रोज आती है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी आती है, फिर अदिति परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। घबराओ मत बेटी, समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह 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 के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है, और उसमें से एक बाल अदिति के सर पर जाकर लग जाता है। बाल लगने से अदिति की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सर पर तो वाकई बाल आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो आपने चुटकियों में कर दिया। अदिति परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर चली जाती है। अदिति की माँ अदिति के सर पर बाल देखकर बहुत खुश होती है
उधर कुछ दिनों बाद करण को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अदिति से माफ़ी मांगने उसके घर आता है। मुझे माफ़ कर दो अदिति, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ आ गया है, इंसानों को सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब चलो मेरे साथ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर अदिति खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की बाहरी सुंदरता देखकर उसके परख नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुणों को भी देखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।